प्रीवियसली अपलोडेड काफ़ी सारे वीडियोस पे आप लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं कि किस तरीके से हम अपने स्मार्ट टीवी पर ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक लाइव टीवी ऐप का लिंक दिया था और उसके बाद आपने उस ऐप को अपने फ़ोन, लैपटॉप या पीसी पे तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसको अपने टीवी में कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इसी प्रोसेस को हम ऐप्स की साइड लोडिंग बोलते हैं। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे ऐप्स को साइड लोड करने के लिए मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। जो पहला तरीका होगा वो होगा बहुत ज़्यादा सिंपल, अगर आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर है और पेन ड्राइव है तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका होगा कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि एंड्रॉयड होगा, प्लस OTG और पेन ड्राइव होनी चाहिए। और तीसरा होगा तरीका यहाँ पे वायरलेसली आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन से आपके टीवी में कैसे ऐप को ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पे तीनों तरीके बहुत ज़्यादा सिंपल है, वन बाई वन आपको मैं आप बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक PC, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप और एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हो APK मिरर से या फिर कोई मैंने लिंक आपको दिया है तो आप उस लिंक पे जाके टैप करोगे, ऐप को डाउनलोड कर लोगे अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को आप कॉपी करोगे पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव को फिर लगाओगे अपने टीवी पर। टीवी पर लगाने के बाद यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद उस ऐप पे जाना है, ओके करना है, इंस्टॉल करना है। ईजिली आपकी इंस्टॉल हो जाएगी ऐप, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। जो परमिशन वो मांगेगा वो अलाउ कर देना एंड ऐप एकदम प्रॉपरली काम करेगी। अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पर, जिसमें आपको एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एक OTG केबल और एक आपको पेन ड्राइव चाहिएगी या हार्ड ड्राइव चाहिएगी। आपने जैसे ऐप को मेरे लिंक से डाउनलोड किया है या फिर APK मिरर से किया है तो वो आपकी डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। आपने अपने फ़ोन में OTG केबल के थ्रू पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है, फिर फाइल मैनेजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जाओगे डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में आपको वो ऐप मिल जाएगी जो आपने डाउनलोड की है, उसको कॉपी करो और जो आपने OTG केबल के थ्रू पेन ड्राइव लगाई है उसमें पेस्ट कर डालो। अब पेन ड्राइव को OTG केबल से हटा के टीवी में लगाओ, फाइल से ओपन करो और जो ऐप आपने कॉपी की है उसको टीवी में इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर हम कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसको हम कैसे कॉपी कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में App2HD नाम का एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऐप को बहुत ईजिली कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रोम को मैं बैकअप लेना चाहता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, जिससे मैं उसको पेन ड्राइव में कॉपी कर पाऊँ। तो आपने क्या करना है, App2HD को ओपन करना है, क्रोम पे टैप करना है, बैकअप कर लेना है। अब आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, वहाँ पे आपको मिलेगा मोबी यूजेस बैकअप, उसमें जैसे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाएगा। क्रोम को कॉपी करो और पेन ड्राइव में पेस्ट कर डालो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसी तरीके से आप ऐप्स की साइड लोडिंग कर सकते हो। और जो यहाँ पे थर्ड तरीका है, यानी कि तीसरा तरीका है, वो बहुत ईजी है, वायरलेसली है। आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिएगा और आपको टीवी चाहिएगा, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपने टीवी में प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहीं फ़ोन में भी प्ले स्टोर ओपन करना है, यानी कि दोनों में प्ले स्टोर ओपन करोगे, कैटस प्ले सर्च करोगे। टीवी में कैटस प्ले का एक ऐप आएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जो फ़ोन पे आएगा आपने फायर टीवी कैटस प्ले डाउनलोड करना है। दोनों में डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद सेम वाईफाई से टीवी और फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए। अब आप अपने फ़ोन में जैसे कैटस प्ले को ओपन करोगे तो वो आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि आपका एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी इस वाईफाई से कनेक्टेड है। आप उस पर टैप करोगे, टैप करते ही आप एंटर कर जाओगे अंदर। अब यहाँ पे आपको 3 बार आइकन मिलेगा लेफ्ट साइड पे, उस पर टैप करना है। वहाँ पे प्ले ऑन टीवी का ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन पे भी मिल सकता है। उस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पिक्चर, वीडियोस, फाइल्स। तो हमें फाइल ट्रांसफ़र करनी है, फाइल पे टैप करो। उसके बाद APK का ऑप्शन आएगा, APK पे टैप करो। अब अगर आपने ऐप को डाउनलोड किया है मेरे लिंक से या फिर APK मिरर से, यानी कि थर्ड पार्टी सोर्स से, तो वो फाइल आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो अगेन आपको App2HD यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। सेम इसी तरीके से पहले ऐप का बैकअप लो, फिर उसको कॉपी करो इंटरनल स्टोरेज में, मतलब मोबी यूजर्स फोल्डर से बाहर निकाल के रूट फोल्डर में ले आओ, जो इंटरनल स्टोरेज का फोल्डर है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे अगेन आओगे और वो ऐप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने टीवी पे, उस पर टैप करो। टैप करते ही आपके टीवी में एक OTP शो होगा, जो कि आपको अपने फ़ोन में एंटर करना होगा। आप जैसे ही उस OTP को अपने फ़ोन में एंटर करोगे, वो ऐप तुरंत आपके टीवी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आप ये ऐप को
ईजिली यूज कर सकते हो। मतलब ये तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार देखने में टफ लगा होगा, लेकिन जब आप खुद ट्राई करोगे तो आप कहोगे कि पीसी कंप्यूटर लैपटॉप से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, फिर ओटीसी केबल के थ्रू से पेन ड्राइव में कॉपी करना, फिर इसमें इंस्टॉल करने से बेहतर है। क्योंकि जो यहाँ पे कैटस प्ले है, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो, जैसे ये आपका रिमोट बन सकता है, अगर आपका रिमोट नहीं मिल रहा है तो आप इसको एज ए रिमोट भी यूज़ कर सकते हो, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, वीडियोज़ पिक्चर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कि ये आपका एक गेमिंग पैड के रूप में भी काम कर सकता है अगर आप अपने टीवी पे गेमिंग करना चाहते हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग कि किस तरीके से हम अपने स्मार्ट टीवी पर ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं। बहुत इजी वे हैं, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगने वाला है। मैंने तीनों बता दिए क्योंकि इससे अलग कोई तरीका नहीं है और इनसे बेस्ट तरीका भी कोई नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मना करते हो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।